मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है विभिन्न लग्नों के अंदर बनने वाले कंवारे योग के बारे में। कब ऐसे योग, ऐसी स्थितियां निर्मित होती है कि व्यक्ति को अकेले ही जीवन यापन करना पड़ सकता है। पर साथियों, कहा गया है ना कि समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। तो इस योग के साथ ही इसके कुछ उपाय भी होते हैं, और वो उपाय खोजने की जिम्मेदारी हमारी है। आज साथियों, हम बात करेंगे मीन लग्न के जातकों के बारे में। कब कब मीन लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं कि उनको कंवारा रहने का नौबत आ जाती है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #  आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिख करके भेजें। साथियों, ये कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा हर चीज जो है वो खराब है। हम बहुत अच्छे हैं ये तो ठीक है, पर अगर ये कोई मान ले कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है, यहां पर आकर के चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, और इसी को कहा गया है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाए तो उसको आसपास के सभी लोग अपने से बौने, अपने से छोटे, अपने से बुरे नजर आने लगते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति इन योगों के द्वारा भी होती है। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कंवारे योग के बारे में। जब विवाह की आपकी उचित आयु हो उसी समय विवाह संपन्न किया जाए तो बेहतर रहता है, परंतु सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से निरंतर जितने भी प्रस्ताव आते जाते हैं उनको निरस्त करने का कार्य इन योगों का जो व्यक्ति है वो करता है। ऐसी ही स्थिति और उसके घर का ही कोई व्यक्ति, खास तौर पर माता या पिता जो है वो उसके इस रिजेक्शन में अपना साथ देते चले जाते हैं, और जब माता पिता साथ देने की स्थिति में नहीं रहते तब जाकर के वो कंवारे योग का निर्माण करता है। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से मीन लग्न की जन्म पत्रिका में कब कंवारे योग का निर्माण होता है उसका विश्लेषण करें। साथियों, ये जन्म पत्रिका जो कि 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, 12 नंबर से प्रारंभ होने के कारण हम इसको मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। इसके स्वामी बनते हैं गुरु। आज हम तीन ऐसी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कंवारे योग के लिए इस कुंडली में उत्तरदायी होती हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान है और द्वितीय भाव में सूर्य के साथ गुरु विराजमान है। गुरु इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है और लग्नेश यहां पर हो गए अस्त, इस वजह से इनका विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। शनि इस कुंडली में लाभेश भी है परंतु साथ ही व्ययेश भी है। लग्नेश गुरु का शत्रु भी है, लापरवाही पूर्ण ये इतना खर्चा करेंगे कि इनको कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यापार इनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इनको हमेशा नौकरी ही सही करना, इनको अगर करें तो वो इनके लिए सही रहेगा। व्यापार में इनको सिवाय घाटे के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। मानसिक तनाव इनको किसी न किसी कारणवश हमेशा बना ही रहता है, और हड्डियों से संबंधित कोई रोग इनको अपनी जकड़ में बना करके रखता ही है, और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स वो इनको बहुत ज्यादा होता है। साथियों, दूसरी स्थिति मीन लग्न में, यदि शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बुध विराजमान है। यहां पर बुध जो है वो इनकी कुंडली में सप्तमेश है, विवाह के कारक हैं, और वो त्रिक भाव में आकर के यहां पर अस्त हो गए हैं, विवाह नहीं होने देंगे इनका। विदेश में जाकर के ये तरक्की कर सकते हैं, परंतु ये जहां पर भी नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं इनके नीचे कार्य करने वाले अर्थात इनके सबोर्डिनेट इनका कभी भी साथ
नहीं देते। योग्य होते हुए भी ये प्रेजेंटेशन की कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते और काफ़ी अवसरों को खो बैठते हैं। इस मामले में ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि तृक स्थान पर गया है सप्तमेश, तो कुछ महीनों के लिए इनकी शादी हो जाती है और फिर जीवन साथी से इनका विच्छेद हो जाता है। तीसरी स्थिति मीन लग्न में, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य, शनि, शुक्र और बुध, इन चारों की यदि युति है, तब भी वो इनको गंवारा रहने पर मजबूर कर देगा। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, अध्यात्म में इनकी रुचि होगी, राजनीति में अपने झंडे गाड़ सकते हैं, संगठन में सत्ता में उच्च शीर्ष पर जा सकते हैं, परंतु विवाह गंवारे योग के कारण संपन्न नहीं हो पाता। तो साथियों, आज हमने मीन लग्न में तीन वो स्थितियां जानी जब व्यक्ति को कंवारा रहना पड़ सकता है। अब यदि दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में भी ये योग निर्मित हो रहा है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। आपको ये चाहिए कि 13 गुरुवार तक लगातार और 21 एकादशी तक लगातार, ये दोनों एक साथ कर सकते हैं, ये दोनों ही व्रत आपको करने हैं। 21वीं एकादशी से पहले ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आप यकीन न माने, नहीं, आप इस उपाय को करके देखिए, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध उपाय है और इसके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, तो इसको जरूर आप आजमाइए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रमन सिंगला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है तोहना हरियाणा से। रमन जी, आपने लिखा है कि अभी अभी 12वीं की परीक्षा आपने पास की है, किस क्षेत्र में आपको जानना चाहिए? रमन जी, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश होकर के मंगल लग्न में विराजमान है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में या फार्मेसी के क्षेत्र में, इनमें से आप किसी क्षेत्र में जाइए। आपकी कुंडली इसके लिए सपोर्ट करती है और आप अपने शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज जो हमने उपाय बताया है मीन लग्न में कंवारे योग को समाप्त करने का, उसमें कितने गुरुवार व्रत करने की सलाह दी है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।